अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सदफ ब्यूटी वर्ल्ड। आई एम ऑलराउंडर ब्यूटिशियन सदफ सजाद। आज आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक बड़ा खूबसूरत सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया है। ये हमारी मॉडल हैं जिसमें हमने हेयर स्टाइल भी किया है और इनका हम मेकअप भी करके दिखाएंगे आपको। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने दो पार्ट्स में ये वीडियो जो है वो कर दी है, ताकि आप हेयर स्टाइल पहले एक वीडियो में देखेंगे और दूसरी वीडियो में आप मेकअप देखेंगे। ये देखें मेकअप का लुक भी और इनका हेयर स्टाइल, तो ये दोनों आपको दो पार्ट्स आपको देखने पड़ेंगे। तो अब हम ये फर्स्ट पार्ट शुरू करेंगे जिसमें ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल आपको बनाने को हम सिखाएंगे। तो ये सबसे पहले हमने किस तरह इसको बनाया है, ये ईयर टू ईयर पार्टिंग करके और एक पोनी हमने बना दी है। इस तरीके से हमने एक पोनी टेल बना ली है। इसके बाद हमने एक डोनट ले लेना है और डोनट को हमने इस तरह से सेट किया बालों के अंदर, और फिर ये सारे जो बाल हैं उसे अच्छी इस तरह कॉम कर लेंगे। और थोड़ा सा बेंड करवाया मैंने इनको, इनका हेड, और बिल्कुल स्प्रेड कर दिए सारे डोनट के ऊपर, सारे बाल स्प्रेड इक्वल से। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये रबर बैंड लगा दिया है ताकि ये फिक्स हो जाए। बालों को हम देंगे और बाद में इसको इक्वल पार्ट बनाकर हम कर लेंगे। ये देखें मैंने जो है ना एक स्टफिंग ली है जिसको मैं लॉक कर रही हूँ पिंस के साथ, बॉबी पिंस के साथ मैं इसको लॉक कर दूंगी। और ये मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब इसके ऊपर एक बैक कॉमिंग हो जाएगी और बहुत अच्छा खूबसूरत लगेगा डोनट के साथ। ये हल्का सा बैक कॉम खूबसूरत लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं पिंस के साथ इसको अच्छी तरह से सेट कर दूंगी। अच्छी तरह हम इस बैक फॉर्म को, बहुत ज़्यादा हमने हाई नहीं बनाया क्योंकि हमारी जो मॉडल है उनका फेस छोटा है और बहुत ही प्यारा लगेगा उनको ये हेयर स्टाइल। आप जब कंप्लीट देख तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगा है मेरा ये हेयर स्टाइल। बहुत ईजी है और थोड़ा सा बस आप टेक्निक्स देख लें इसकी किस तरीके से होंगी, और बहुत आसानी के साथ आप लोग बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। बस आपको देखेंगे हम जो है ना बिल्कुल ब्रेड जैसे बनाते हैं नॉर्मल, इस तरह से हमने ब्रेड बना लेनी है। जितनी भी हमने इक्वल इक्वल पार्टिंग ली है उसमें हमने ब्रेड बना लेनी है। पूरे जुड़े के इर्द गिर्द हमने ये इस तरह से ब्रेड बना लेनी है जैसे आप देख रहे हैं। और ये मेरी लास्ट ब्रेड भी बन गई। जो हमने जुड़े के ऊपर से बैक कॉम किया था उन बालों की भी हमने ब्रेड्स बना ली हैं जो बाकी बचे थे बाल, और बाकी जो डोनट के साथ थे उन दोनों को हमने सारी जो जितने भी बाल हैं उसके पार्टीशन करके और हमने ये ब्रेड्स बना ली। अब आपको पुलिंग टेक्निक के साथ इसको इस तरीके से स्प्रेड करना है थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे पुलिंग टेक्निक करनी है। देख ले ऐसे इस तरीके से सारी ब्रेड्स हम खोलेंगे इसी तरह से, और उसके बाद हमने इसे फोल्ड करके एक बहुत प्यारा सा फ्लावर बना देना और पिनों के साथ इसको एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह मैं दूसरी ब्रेड बनाने लगी हूँ। तो ये भी देखिए आप इसी तरह से पुलिंग टेक्निक यूज करें और बहुत ही अच्छे से इसको स्प्रेड करना है। एक 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 जो लेयर है उसको ऐसे एक साइड से ही हम खींचेंगे और ये बड़ा प्यारा सा फ्लावर की पेटल्स बन जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत जो है ये लुक बनता है इस तरह। बस ये देख लें इस तरह आपको टेक्निक, बस ये एक आ जाए तो आप फ्लावर बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करते करते, और ये देखें फ्लावर बन गया। और जो है ये जूड़ा पिन के साथ इसको लॉक कर देंगे। तो देखें कितनी आसान और इजी टेक्निक है, बस थोड़ा सा ज़रा प्रैक्टिस करेंगे तो देखिएगा बहुत अच्छा आप बना सकेंगे। इस तरह मैं पूरे ही ये डोनट को जो है इन्हीं फ्लावर्स के साथ इनको सारा जो है कवर कर दूंगी। अब रह गए आगे वाले बाल, तो इनको हम किस तरह से साइड पफ बनाएंगे इसका, तो ये भी आप देखिएगा किस तरह आ रही हूँ। थोड़ा सा ज़रा बैकअम किया है, थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा इसके अंदर ताकि वॉल्यूम नज़र आए। बालों को आगे से थोड़ा सा हम उठाना चाह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा स्प्रे किया है हमने, और उसके बाद इसको देख लें किस तरह से ट्विस्ट करेंगे। मैंने जिस तरह ट्विस्ट करूँगी ये भी आप ज़रा देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा लुक क्रिएट होगा। इस तरह से हम इसे ट्विस्ट करेंगे और फिर आगे एक लेयर उठा के हमने ट्विस्ट की और थोड़ा सा इसको पुल किया। पुलिंग तरह यहाँ पर भी इसी तरह से ही होगी। तो ये देखिएगा अब किस तरीके से मैं करती हूँ,
ये देखें आप ऐसे जी। तो ये अब मैंने इसको जो है सेट कर दिया है, बाकी जब हम स्प्रे वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सेटिंग हो जाएगी इसकी। ये हमने दूसरी लेयर को भी इसी तरह से उठाया और मिक्स एंड मैच कर देंगे बालों को। थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप भी बहुत अच्छे से इजी से बना लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने इसी तरह पुलिंग टेक्निक करना शुरू की और बाकी पीछे बालों को हम ले गए और इस तरह एडजस्ट कर लिया। मैं बैक से आपको दिखाऊंगी, ज़रा कंप्लीट कर लूं, फिर इनको पूरी इनकी चेयर घुमा के आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हम इसको भी ट्विस्ट कर रहे हैं जो लेफ़्ट साइड पर, और अच्छे से हम इसको पुलिंग टेक्निक के साथ दोबारा से इसे फैला लेंगे और इसे पीछे मैं एडजस्ट कर दूंगी इसी बन के अंदर। बस अभी आपको मैं पीछे घुमा के चेयर दिखाती हूँ। एक्सेसरीज जो है मैं इनको लगा चुकी हूँ और जो बीड्स हैं वो भी मैंने लगाई हुई हैं इनको, और ये देखें फाइनल इनका लुक। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये हेयर स्टाइल, और इनकी जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम आपको मेकअप का सारा लुक दिखाएंगे और पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इनका मेकअप का लुक क्रिएट किया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।